हेलो एवरीवन क्या हाल चाल वेलकम टू माय चैनल सो गाइस आज हम एक और चैप्टर निपटा देने वाले हैं एनसीईआरटी रिव्यू सीरीज का जिसका नाम है एनिमल किंगडम अब एनिमल किंगडम की क्या इंपॉर्टेंस है नीट एग्जाम में आपको अच्छे से पता है हर साल तीन से चार क्वेश्चन आप एनिमल किंगडम से देखते हो और बड़े अतरंगे टाइप के क्वेश्चन इसमें आते हैं थोड़ा दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन इसमें आते हैं बट वैसे एसेंशियली ये चैप्टर तो रट्टाफिकेशन का ही चैप्टर है आपको एग्जाम्पल्स याद रखने होते हैं आपको किसका क्या सिमेट्री है वो याद रखना होता है आपको किसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है वो याद रखना पड़ता है बट इस चैप्टर की सबसे अच्छी बात यह है कि ये इसके जो फाइलम्स है वो एक दूसरे से रिलेटेड है तो जब आप फाइलम्स को रिलेट करके पढ़ेंगे ना तो आपको ये चैप्टर बड़ा आसान लगने लगेगा और आप बहुत कम टाइम में इस को करेंगे। तो इस चैप्टर चैप्टर को को कंप्लीट कर लेंगे तो यूजुअली पढ़ाने में कोचिंग एक एक महीना का समय लेते हैं हम इस चैप्टर को दो घंटे से भी कम टाइम में निपटा देंगे और इस तरह से निपटाएंगे कि आपको क्लास में मैक्सिमम चीजें याद हो जाएंगी तो मैं रिकमेंड करूंगा इस चैप्टर को एटलीस्ट दो बार आप जरूर देखें और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एग्जाम्पल सॉल्व करें एंड यू आर गुड टू गो तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर अभी तक लाइक नहीं किया है और इसका पी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल टी डॉट एम ई स्लैस आनंद मनी ज़ीरो जीरो वन पे मिल जाएगा तो टेलीग्राम भी ज़रूर ज्वाइन कर लो अगर अभी तक नहीं किया है इसकी पूरी प्ले भी मैंने बना दी बेटा ये आई थिंक आपका बारवां या तेरवा चैप्टर है एन रिव्यू सीरीज़ का और हम बहुत जल्द इस सीरीज़ को पूरा कम्प्लीट कर लेंगे मतलब तुम्हारी पूरी बायोलॉजी नई एन से कंप्लीट हो जाएगी सिस्टमेटिक तरीके से दूसरा वादा मैंने आपसे जो किया था वन शॉट सीरीज़ का फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बेटा वो मंडे से स्टार्ट कर देंगे थोड़ा टाइम लग जाता है चीज़ों को सेटल डाउन करने में स्टूडियो लगाने में नया इंट्रो है तो थोड़ा पेशेंस आपको भी रखना पड़ेगा बट वन शॉट सीरीज़ आपकी मंडे से स्टार्ट हो जाएगी और दूसरा मैंने तीसरी चीज़ जो मैंने आपसे प्रॉमिस की थी वो नई एन बेस्ड पी एंड एग्जैम्पलर ठीक है तो वो भी मंडे से स्टार्ट हो जाएगा तो अगर इस चैनल पर नए आप तो इस चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए आनंद सर के घर में देर है अंधेर नहीं है एनी चैप्टर शुरू करते हैं तो क्या बात करें भाई तो व्हेन यू लुक अराउंड यू विल ऑब्जर्व डिफरेंट एनिमल्स विथ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एंड फॉर्म बिल्कुल है ना सब तक तुम कीड़े ही देख लो कितने तरह के कीड़े आपको देखने को मिल जाते हैं एज ओवर मिलियन स्पीसीज ऑफ एनिमल्स नाउ नीड फॉर क्लासिफिकेशन बिकम्स ऑल द मोर इंपॉर्टेंट अब इतने सारे एनिमल स्पीसीज है तो अगर आपको एक एक एनिमल स्पीसीज को पढ़ना बहुत मुश्किल है तो इसीलिए हम उसको डिफरेंट ग्रुप में क्लासीफाई करते हैं जैसे आपका है किंडम एनिमिलिया तो किन्डम एनिमिलिया में कितने सारे फाइलम्स हो जाते हैं ना तो हम फाइलम्स के बेसिस पे इनको क्लासीफाई करते हैं फिर क्लास पे आ जाते हैं क्लासिफिकेशन ऑल्सो हेल्प इन असाइनिंग अस्टमैटिक पोजिशन टू न्यूली डिस्क्राइब्ड स्पीसीज तो नई स्पीसीज के लिए सिस्टमैटिक पोजिशन देने का काम जो है यही फाइलम करता है ठीक तो अब आते हैं किस बेसिस पे हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कर रहे हैं तो क्या बोल रहा है अरेन्जमेंट ऑफ सेल्स अब कैसा अरेजमेंट ऑफ सेल हो सकता है सेल्युलर लेवल टिश्यू लेवल organ लेवल organ सिस्टम लेवल है ना बॉडी सिमेट्री कैसी सिमेट्री होगी उसकी रेडियल है बाइलेट्रल है ए है नेचर ऑफ सिलोम कैसा है मतलब ए सिलोमेट है या सीडोसिलोमेट है या सीडोसिलोमेट है पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है इनकम्प्लीट है कि कंप्लीट है सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है और रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा है ठीक है दीज फीचर्स आर यूज एट द बेसिस ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन एंड सम ऑफ देम आर डिस्कस्ड हियर आइए देखिए एक एक करके पढ़ते हैं अब ये रिलेशन जरूर है समझना बेटा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है तो सबसे पहले आते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से ठीक है अब इसका ना तुम टेबल बना सकते हो साथ के साथ इस लेक्चर के है ना तो लेवल ऑफ तुम्हें आसानी से तुमको समझ में आ जाएगा सीक्वेंस ठीक है पहले तुम क्या है ना एक सीक्वेंस देख लो कि किस सीक्वेंस में तुम्हारा फाइलम सारा है सारे ग्यारह फाइल जो है तुम लिख लो और उसके बाद उसी सीक्वेंस में तुम पढ़ोगे तो तुमको अच्छे से समझ में आ जाएगा तो देखो तो दो ऑल द मेंबर्स ऑफ एनिमीलिया आर मल्टी सेल्युलर ऑल ऑफ देम डू नॉट एग्जिबिट सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स अब बोलोगे सर मल्टी सेलर है सारे यूनिसेलुलर नहीं है हमने क्या बोला था अगर यूनिसेल्युलर यू कैरियर है तो तुम्हारा कहाँ चला जाता था वो प्रोटेस्टा में चला जाता था और बाकी सारे तुम्हारे जो यूनि यूनिसेलर तुम्हारे प्रो कैरियर थे वो तुम्हारा किंगडम मोनेरा में चला जाता था तो यहां पे बाइफर्केशन हो गया तो ज्यादातर जो सारे मेंबर्स ऑफ एनिमल किंगडम के हैं वो कैसे हैं वो मल्टी सेल ऑल ऑफ देम डू नॉट एग्जिबिट द सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स फॉर एग्जांपल इन स्पंजेस की बात हो रही है तो तो भाई पहला पॉइंट आपका जो यहाँ पे हाईलाइट कीजिए स्पंजेस में क्या है सेल्युलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ठीक है तो अब तुम देखो सबसे पहला फायला

तो इस तरह में हम कहते हैं ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको यहां पे देखने को मिल जाता है तो इसका टेबल बन सकता है कि नहीं बन सकता कहां तक सेल्युलर है आगे बनाया हुआ है एनसीआरटी ने बना के दिया हुआ है तुम्हें टेबल तो तुम्हें बड़ा क्लियरली समझ में आ जाएगा कहां पे सेल्युलर है कहां पे टिश्यू है कहां पे ऑर्गेन है कहां पे ऑर्गेन सिस्टम यहां साइड में बस एक्जाम्पल लिख लो ठीक है तो सीक्वेंस में तुमको दिख रहा होगा कैसे पहले सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हुआ मतलब हर सेल अपना अपना काम कर रहा है फिर सेल कंबाइन करके टिश्यू बनाया तो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिला फिर क्या हुआ ऑर्गेन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिला और फिर ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिला ठीक है अच्छा ऑर्गेन सिस्टम इन डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स एग्जिबिट वेरियस पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी जैसे कहीं कहीं डाइजेस्टिव सिस्टम जो है हैज अ सिंगल ओपनिंग टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी

एनेलिट्स एंड कॉर्डेट्स में देखने को मिल जाएगा अभी हम सर्कुलेटरी सिस्टम आगे और पढ़ेंगे है ना तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का आपका एग्जाम्पल हो जाएगा आर्थ्रोपोडा ठीक है और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का एग्जाम्पल हो जाएगा एनेलिट्स एंड कॉर्ड ठीक है सर ठीक है सर तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है जो तुम्हारा ऑर्गन है उसको हम डायरेक्टली ब्लड में सोक कर देते हैं या ब्लड में नहला देते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है ब्लड सर्कुलेट होता है थ्रू अ सीरीज ऑफ वेसल्स हैविंग वेरियस डायमीटर जिसमें आपका आर्टरी और कैपिलरीज आ जाते हैं तो इस दो तरह का सर्कुलेटरी सिस्टम देखा और दो तरह का डाइजेस्टिव सिस्टम देखा इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम आपको कहां पे देखने को मिला प्लेटी हेलमिंथस में आपको इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम आपको देखने को मिला जहां पे एक सिंगल ओपनिंग है जहां पे एक सिंगल ओपनिंग है जो दोनों का काम कर रहा है माउथ और एनस दोनों का काम कर रहा है ठीक है सर यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो हमने सेल्यूलर टिश्यू ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखा डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट कंप्लीट देखा सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन और क्लोज देखा यहां तक तो आई डोंट थिंक किसी को कोई भी परेशानी हो रही होगी आगे बढ़ते हैं फिर आते हैं सिमेट्री की बात करते हैं सिमेट्री है ना बटवारा तो एनिमल्स कैन बी कैटेराइज ऑन द बेसिस ऑफ देर सिमेट्री सिमेट्री मतलब क्या हुआ कि मतलब कैसा प्लेन है तो किसी चीज से अगर हम उसको बीच से काट रहे हैं तो क्या बराबर भाग में कट रहा है तो जैसे स्पंजेस आर ए अब यहां पर देखो ध्यान से स्पंजेस आर ए सिमेट्रिकल ठीक है बहुत अच्छी बात एन सिमेट्रिकल मतलब कहीं से भी बीच से लाइन ड्रॉ करोगे वो दो इक्वल हाफ में नहीं काटेगा तो ए सीमेट्रिकल हुआ है ना जैसे मान लो कोई ऐसा चीज़ है कोई एक ऐसा चीज़ है गिं, अब इसको कहीं से भी काटो क्या कभी ये दो इक्वल हाफ में जाएगा यहाँ से काटोगे तो इधर का मुंह निकलेगा यहाँ से काटोगे तो इधर का मुंह निकलेगा है ना तो कहीं से भी दो इक्वल हाफ में अगर नहीं आ रहा है तो उसको हम ए सीमेट्रिकल कहते हैं एग्जाम्पल क्या हो गया स्पंजेस तो एनी प्लेन थ्रू द सेंटर डज नॉट डिम इंटू टू इक्वल हाफ तो अगर दो इक्वल हाफ में नहीं डिवाइड कर रहा है तो कैसा है सर यह एक्ल द्रू द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी डिवाइड दर्गेनिज्मिकल हाफ तो अब मान लो कि कहीं से भी कोई एक चीज है कोई एक ऑर्गेनिजम पकड़ लो स्टार फिश पकड़ लेते हैं ठीक है, है मैं तो मुझे बनेगा स्टार फिश हाँ, देखता हूँ तीन चार, चार तो अब क्या है मेरा सही नहीं बना स्टारफिश बट और क्या अगर मान लो यहां से काटे तो बराबर इक्वल हाफ है 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 तो इसको हम कहते हैं रेडियल सिमेट्री कभी भी अगर बीच से कोई लाइन कहीं से भी ड्रॉ की जाएगी तो इट विल रिजल्ट इनटू टू टू आइडेंटिकल हाफ ठीक है तो एनी प्लेन किसी भी प्लेन से सेंट्रल एक्सिस से अगर लाइन खींच रहे हो और वो दो इक्वल हाफ दे रहा है तो इसको हम कहते हैं रेडियल रेडियल सिमेट्री रेडियल सिमेट्री ठीक में. टीनो -फोर और एक जंप खाली मार दिया यहां रखना एडल्ट स्टेज में ओनली एडल्टा आर ऑफ रेडियल सिमेट्री जो तुम्हारा लार्वल स्टेज होता है वो

वो तुम्हारा बायलेट्रल सिमेट्री होगा तो इसमें सब आ गया तुम्हारा आ आ आ गया आ गया आ गया तो से तक तुम्हारे ज्यादातर जो हैं वो सिमेट्री शो करेंगे बीच में एक आ गया डरमाटा ठीक है तो अब इसमें तुम यहां से लिख सकते हो प्लेटी हेलमिंथस टू कॉर्डेट्स एक्सेप्ट कौन सा इकाइनो ठीक है किसी को कोई दिक्कत यहां तक चल तो ये हमने बात कर ली सिमेट्री की तीन तरह की सिमेट्री थी ए तुमको पॉरीफेरा में देखने को मिल गया रेडियल सिमेट्री सीलेंट्रेट टीनोफोर में देखने को मिल गया देखो सीक्वेंस में ही जा रहा है और बायलेटरल सिमेट्री तुमको बाकी सब में देखने को मिल गया सिर्फ एक एक्सेप्शन है इकाइनोडर एक तो सीक्वेंस में याद रह लेगा तुमको हा या नहीं ठीक है अगला आते हैं डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन डिप्लोब्लास्टिक डिप्लो मतलब दो ब्लास्टिक मतलब लेयर तो अगर दो लेयर है तो डिप्लोब्लास्टिक है तीन लेयर है तो ट्रिप्लोब्लास्टिक है तो भाई क्या क्या होता है पहला लेयर जो होता है उसको हम कहते हैं एक्टोडर्म सबसे बाहर वाला लेयर दूसरा लेयर जो होता है इसको हम कहते हैं एंडोडर्म सबसे अंदर वाला लेयर ठीक है और इनके बीच में एक तीसरा लेयर बन जाता है अगर तो इसको हम कहते हैं तो सीक्वेंस देखना बेटा एनसीआर थर्ड लेयर को कहती है है ना अब तुम कंफ्यूज कर सकते हो कि एक्टोडर्म पहला है मिजोडम बीच वाला हो गया और सबसे अंदर वाला जो है वो एंडोडर्म हुआ बट सीक्वेंस नंबरिंग मेरा देख लो पहला एक्टोडर्म दूसरा एंडोडर्म और तीसरा मिजोडम तो एक्टोडर्म तुम्हारा क्या है आउटर ये वाला क्या है इनर और ये वाला क्या है मिडल दोनों तीनों याद रखना लिया ठीक है तो अगर सिर्फ एक्टोडर्म और एंडोडर्म है तो ऑर्गेनिज्म कैसा है डिप्लोब्लास्टिक है ठीक है तो एनिमल्स इन विच सेल्स आर अरेंज इन टू एम्ब्रियोनिक लेयर एन एक्सटर्नल एक्टोडर्म बाहर वाला एक्टोडर्म हो गया ठीक है और अंदर वाला एंडोडर्म हो गया तो इस तरह के ऑर्गेनिज्म को हम डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं एग्जाम्पल हो गया

ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं तो प्लेटी हेलमिंथस से पहले तक डिप्लोब्लास्टिक है उसके बाद सारे के सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं तो देखो फीचर तुमको पता चल गया प्लेटी हेलमिंथस के पहले तक क्या है डिप्लोब्लास्टिक है और उसके बाद के बाद सारे के सारे तुम्हारे क्या हो गए ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गए डायग्राम देखो एनसीआरटी का दोनों डायग्राम यहीं पर है देखो तो क्या है आउटर लेयर एक्टोडर्म अंदर वाला लेयर एंडोडर्म और बीच वाला जो undifferentiated लेयर है ये वाला, ये वाला 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 जो बीच वाला undifferentiated लेयर है इसको हम बोल ये किस है? ये किसके के केस के में ठीक है, है। में क्या हुआ आउटर लेयर एक्टोडम अंदर वाला लेयर इंडोडम और बीच वाला एक लेयर है जिसको हम कह रहे हैं मीजोडम ये किसके केस में है? ये ट्रिपलो ब्लास्टिक के केस में तुमको यहां पे एक मीजोडर्म भी देखने को मिल जा रहा है ठीक सिमेट्री में यही हमने बात किया था तो देखो रेडियल सिमेट्री बीच से कहीं से काटे तो रेडियल सिमेट्री और अगर किसी एक प्लेन से दो इक्वल हाफ दे रहा है तो बायलेटरल सिमेट्री ठीक है और ये सिमेट्रिकल मतलब कहीं से भी इक्वल हाफ नहीं देगा ठीक है चलिए तीसरा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है प्रेजेंस और ऑब्सेंस ऑफ अ कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द वॉल समझो गट वॉल तुम्हारा क्या हो पेट वाला हेपडॉन ठीक है और बॉडी वॉल हो गया दोनों के बीच में अगर कैविटी प्रेजेंट है तो उसको हम सीलोम कहते हैं ठीक है तो कैविटी बिटवीन बॉडी वॉल एंड वॉल को हम क्या कहते हैं इसको हम सीलोम कहते हैं तो अगर सीलोम प्रेजेंट है तो सीलोमेट हो गया अगर सीलोम प्रेजेंट नहीं है तो ए सीलोमेट हो गया तो वही तो क्या है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन क्लासिफिकेशन द बॉडी कैविटी विच इज लाइनड बाय मीजोडर्म अब ये बॉडी कैविटी किससे लाइन है ये बॉडी कैविटी लाइंड है मीजोडर्म से तो सिंपल सा मैथ तो यहां पे ये यह है कि सर कि जिस ऑर्गेनिज्म में मीजोडर्म नहीं होगा वो तो तुम्हारा क्या हो गया एसीलोमेट, एस सीलोम है ही नहीं उसमें मीजोटर्म ही नहीं तो सीलोम कहाँ से होगा है ना तो वही वाली बात है तो एनिमल पॉजिटिंग सीलोम्स आर कॉल्ड सीलोमेट्स तो कहाँ से कहाँ तक आ गया सीलोमेट्स तुम्हारे एनेलिडा मोलस्का आर्थ्रोपोडा इकाइनोडर्माटा हेमिकॉडेटा और कॉडेट्स तो मतलब तुमने एनेलिड से लेके कॉडेट्स तक तुम्हारे जो सारे ऑर्गेनिजम्स हैं वो कैसे हैं वो तुम्हारे सीलोमेट्स हैं पहला पॉइंट सीलोम क्या हुआ बॉडी कैविटी प्रेजेंट है बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल. है. इन सम एनिमल्स द बॉडी कैविटी इज नॉट लाइन बाय मिजोडम अब कुछ ऑर्गेनिज्म है जिसमें बॉडी कैविटी मिजोडम से लाइन नहीं है तो क्या होता है यहां पे स्कैटर्ड पाउचेस प्रेजेंट है बिटवीन एक्टोडम एंड एंडोडम तो इसको हम कहते हैं स्यूडो अब क्या है बॉडी कैविटी लाइनड नहीं है मिजोडर्म से मिजोडर्म तो है बट बॉडी कैविटी इनकी लाइन नहीं है मिजोडर्म से तो इस तरह को हम कहते हैं प्रेजेंट है है ना पाउचेस में सीलोम प्रेजेंट है तो इसको हम कहते हैं स्यूडो कहां देखने को मिलेगा यह देखने को आपको मिल जाएगा एस्केल हेलमिंथस में कहां देखने को मिल जाएगा यह देखने को आपको मिल जाएगा एस्केल हेलमिंथस में दो एनिमल्स इन विच बॉडी कैविटी एबसेंट है ही नहीं बॉडी कैविटी इसको हम कहते हैं ए ये आपको देखने को मिल जाएगा प्लाटी हेलमेंट प्लाटी हेलोमिथस से पहले वाले भी जहां सिलोम है ही नहीं वो क्या हो गया वो तुम्हारा ए सिलोमेट ही हो गया आओ ये डायग्राम देखो तुमको समझ में आ जाएगा ठीक है देखो देखो ध्यान से देखो ठीक है ये तुम्हारा हो गया ये तुम्हारा हो गया एक्टोडर्म ठीक है ठीक ठीक है ये तुम्हारा हो गया एंडोडर्म और ये बीच वाला जो तुम्हारा है ये हो गया मीजोडर्म तो मीजोडर्म से जो बॉडी कैविटी लाइंड है उसको हम कहते हैं सीलोम तो यहां पे सीलोम है है ना ये तुम्हारा बॉडी वॉल हो गया इधर और यहां तुम्हारा गट वॉल हो गया तो दोनों के बीच में एक क्या है मीजोडर्म है तो ये तुम्हारा क्या हो गया सीलोमेट ठीक है अब अगर सीलोम स्कैटर्ड पाउचेस के फॉर्म में तो इसको हम कहते हैं स्यूडो और अगर सीलोम है ही नहीं तो इसको हम कहते हैं ए सिलोमेट अगर सीलोम है ही नहीं है तो इसको हम कहते हैं ए सीलोमेट क्लियर है सर तो सीलोमेट स्यूडो और ए सीलोमेट तो ये हो गया हमारा सीलोमेट का एग्जाम्पल ठीक है अभी एक टेबल देखोगे तो उसमें तुमको विजुअली सब समझ में आ जाएगा सीक्वेंस अब सेगमेंटेशन क्या बॉडी सेगमेंट्स में डिवाइडेड है कि नहीं तो देखो इन सम एनिमल्स द बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स सीरीज ऑफ रेपिटेशन ऑफ एटलीस्ट तो अब देखो क्या कह रहा है कि बॉडी बाहर से भी और अंदर से भी डिवाइडेड है कुछ सेगमेंट कुछ ऑर्गेनिज्म में सिर्फ बाहर से डिवाइडेड होती है कुछ ऑर्गेनिज्म में सिर्फ अंदर से होती है और कुछ ऑर्गेनिज्म में बाहर और अंदर दोनों से डिवाइड होती है तो क्या कह रहा है इन सम सम एनिमल्स द एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड सेगमेंट अ सीरियल ऑफ एटलीस्ट मतलब या तो पूरे बॉडी में तुमको सेगमेंटेशन दिखेगा या कुछ ऑर्गेन में तुमको सेगमेंटेशन दिखेगा ठीक है जैसे एग्जाम्पल में अर्थवॉर्म ले लो अर्थफॉर्म किसमें गया एनिलिट्स में तो द बॉडी शोज दिस पैटर्न कॉल्ड इसको हम कहते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन और इस फिनोमिना को हम कहते हैं मेटामेरिज्म तो सेगमेंटेशन ऑफ अ बॉडी आपको एनिलिट्स में देखने को मिलता है एनिलिट्स में आपको दोनों सेगमेंटेशन दिख रहा है एक्सटर्नल भी और इंटरनल भी आपको है ना दोनों सेगमेंटेशन को देखने को मिल जाता है तो इसको हम कहते हैं सेगमेंटेशन इसको हम कहते हैं सेगमेंटेशन ठीक है तो कहां देखने को मिल रहा है आपको सेगमेंटेशन आपको सेगमेंटेशन देखने को मिल रहा है एनेलाइट्स में तो एनालाइट्स में याद रखना बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल सेगमेंटेशन आपको देखने को मिलता है बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल सेगमेंटेशन देखने को मिलता है ऐसे होते हैं ना ऐसे ऐसे इस तरह के जो सेगमेंट्स होते हैं ऐसे ना तो इसको हम कहते हैं सेगमेंटेशन ठीक है और इस फेनोमेना को हम कहते हैं मेटामेरिज्म इस फिनोमेना को हम कहते हैं मेटामेरिज्म ठीक है अच्छा अब यहां पे नोटोकॉर्ड की बात करते हैं तो नोटोकॉर्ड क्या होता है सर? Is a यार रखना कहां से हुआ? हो होता है कहाजो डर रॉड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्मड ऑन द डोरसल साइड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन साइड कहा मतलब समझते हो पीछे वेंट्रल आगे डॉर्सल पीछे है ना पीछे के साइड तो नोटोकॉर्ड -like है. से बनता है, है. पाया जाता है, है? तो एनिमल्स विड उसको हम कॉर्डेट्स कहते हैं और जिसके पास नोटोकॉड नहीं है उसको हम नॉन कॉर्डेट्स कहते हैं तो पोरी फेरा से इकाइनोडर्माटा तक तुम्हारा नॉन कॉर्डेट्स है ठीक है और उसके बाद कॉर्डेट्स तुम्हारा हो गया जिसके पास नोटोकॉड प्रेजेंट होता है ठीक है भाई। अब देखो यही क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स तुमको इसी लेवल पर समझा दिया देखो सीक्वेंस में अगर तुम सारे फाइलम को सीक्वेंस में यहां पे देखो तो तुमको दिख रहा होगा सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिखा पॉरीफेरा आ गया फिर टिश्यू लेवल पे तुम्हारा बाकी सारे आ गया टिश्यू लेवल पे तुम्हारे आ गया सारे ठीक है और उसके बाद फिर ऑर्गेन सिस्टम लेवल पे नीचे आ जाएगा तो टिश्यू लेवल पे तुम्हारा ये टिश्यू है ठीक है ये तुम्हारा ऑर्गेन है ठीक है और यहां पे पूरा तुम्हारा जो आ जाएगा यहां एस्केल मिलते से यहां तक ऑर्गेन सिस्टम ठीक है सिमेट्री रेडियल सिमेट्री में कौन कौन सा दिखा आपको यहां पे अगेन ये ए सीमेट्रिकल हो गया तुम्हारा ए सीमेट्रिकल है।, है ना सिलेंट्रेटा टीनोफोरा तुम्हारा रेडियल सिमेट्री शो कर रहा है। और एडल्टिकाइनोडर्माटा तुम्हारा रेडियल सिमेट्री शो कर रहा है ठीक है बाकी सारा तुम्हारा क्या हो गया शो कर रहा है ठीक है विदाउट बॉडी कैविटी ए सिलोम फॉल सिलोम एसके हेलमिंथस और इसके नीचे ट्रू सिलोम तो एनेलिट से कॉडेट तक ट्रू सिलोम तक आ गया है ना दिख रहा है दिख रहा है बेटा तो इस तरह से तुम सीक्वेंस में आप पढ़ सकते हैं सारे फाइलम के हिसाब से किसका क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है तो यहीं को साप साप यहां पे बात कर लो कि इकाइनोडर्माटा में रेडियल सिमेट्री शो होता है बायलैटरल सिमेट्री इज शोन ओनली इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज या लार्वल स्टेज ऑफ इकाइनोडर्माटा ठीक है तो द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ डिफरेंट फाइला आर डिस्क्राइब ठीक अब चलो एक एक फाइलम को पढ़ते हैं आराम से ठीक है पहले तुमको बड़ा कहानी पढ़ाया जाता था अब कहानी पे सवाल कभी नहीं आता बिल्कुल सवाल यहाँ तो लोग भी अपनी पढ़ाई को सेंट्रिक ही ठीक है बेसिक चीजें हम यहाँ पे लिखते जाएंगे जो हमको अंडरस्टूड है ठीक है तो क्या मेंबर्स ऑफ दिस फाइलम फाइलम पोरिफेरा आर कॉमनली नोन एज ठीक है सर स्पंजेस इसको कहते हैं ठीक है. क्या है भैया जनरली मराइन डब्बा बना लो और लिखते जाओ जनरली मराइन मोस्टली ए सीमेट्रिकल हमने बात किया था सिमेट्री नहीं था इसमें ए सीमेट्रिकल ऑलरेडी हमने बात कर लिया था ठीक देज आर प्रिमिटिव मल्टी सेल्यूलर एनिमल्स एंड हैव सेल्युलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये भी हमने देख लिया था कि सेल्युलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है ठीक तो क्या क्या देखा हमने पहला कि मराइन है दूसरा तुम्हारा ए सीमेट्रिकल है और तीसरा हमने देखा सेल्युलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ठीक है सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ठीक है अच्छा अब क्या है स्पंजेस के पास एक वाटर ट्रांसपोर्ट और केनाल सिस्टम है यहां पे एक सिस्टम है जिसको हम वाटर कैनाल सिस्टम कहते हैं कैसे छेद है इनके पास। इनके पास पोर्स हैं और ये पोर्स ही इनको स्पंजेस बनाते हैं इसका डिस्टिंक्टिव फीचर है किसका फाइलम पोरीफेरा का की। अगर पोर्स आपको दिख रहा है तो मतलब फाइलम पोरीफेरा तो डिस्टिंक्टिव फीचर ठीक है।, है तो क्या भैया तो स्पंजेस है वह वा, ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम ठीक है तो कहां से वॉटर एंटर्स थ्रू माइन्यूट पोर्स जिसको हम कहते हैं ऑस्टिया ऑस्टिया अंदर आया से इन द बॉडी वॉल इन टू अंट्रल कैविटी कॉल स्पॉन्जोसिल ऑस्टिया से गया स्पॉन्जोसिल में और उसके बाद बाहर आया ऑस्किलम से तो कैसे गया तो वॉटर जो है अंदर आया ऑस्टिया से ऑस्टिया से गया बॉडी कैविटी में जिसको हमने कहा स्पॉन्जियोसील और स्पॉन्जियोसील से बाहर निकल गया तो ये इनसाइड हो गया ये इनसाइड हो गया और ये आउटसाइड हो गया है ना तो पानी अंदर से आ रहा है और बाहर चला जा रहा है ठीक है द पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट अब ये वाटर ट्रांसपोर्ट का जो पाथवे इट इज हेल्पफुल इन फूड गैदरिंग में पानी के थ्रू खाना आ गया रेस्पिरेटरी एक्सचेंज में पानी के थ्रू ऑक्सीजन आ गया एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट तो जो स्पॉन्जियोशील में वेस्ट होंगे वो इससे बाहर निकल जाते हैं क्लियर है अच्छा एक और चीज यहां पे प्रेजेंट है इसको अलग से हाईलाइट करो बड़ा इंपॉर्टेंट इस पर सवाल आता है कोएनोसाइट्स या इसको हम कॉलर सेल्स से कहते हैं इट लाइन द सील्स ऑफ द केनाल ठीक है तो क्या करता है जियोशील को लाइन करता है तो जो अंदर का जो बॉडी कैविटी है है ना उसको लाइन कौन कर रहा, उसको लाइन कर रहा है उसको है? डाइजेशन इंट्रा सेल्युलर है सेल्युलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो कर रहा है इंट्रा सेल्युलर मतलब हर सेल अपना डाइजेशन खुद करेगा अपने सेल के अंदर करेगा हर सेल में डाइजेशन हो रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं इंट्रा सेल्युलर डाइजेशन ठीक है द बॉडी इज सपोर्टेड बाय अ बायल्टन मेड ऑफ स्पिक्यूल्स स्पीक्यूल स्पॉन्जिन बॉडी कैसे सपोर्ट हो रहा है तो है है बाहर की तरफ है, जो बना होता है और स्पिक्यूल्स का ठीक है सेक्स सेपरेट नहीं है मतलब ये हर्माफोडाइट है ठीक है सर हर्माफोडाइट मतलब मेल और फीमेल दोनों एक ही ऑर्गेन पे आपको देखने को मिल जाता है तो आर प्रोड्यूस बाय द सेम इंडिविजुअल ठीक है स्पंजे रिप्रोड्यूस ए सेक्शुअली बाय फ्रेगमेंटेशन देखो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन कैसे है ए सेक्शुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है फ्रेगमेंटेशन से फ्रेगमेंटेशन बात की थी हमने छोटे छोटे फ्रेगमेंट में टूटेगा और फ्रेगमेंटेशन से बच्चा हो जाएगा एंड सेक्शुअली बाय फॉर्मेशन ऑफ गेमिट्स सेक्शुअल रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है बाय फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स बन रहा है मेल और फीमेल गेमिट बन रहा है कैसे बन रहा है सेम इंडिविजुअल से बन रहा है ठीक है अब सेम ही इंडिविजुअल में मेल और फीमेल गैमेट हो रहा है तो फर्टिलाइजेशन बाहर होने की जरूरत ही नहीं है तो फर्टिलाइजेशन कहा हो गया बॉडी के अंदर ही हो गया इंटरनल हो गया और डेवलपमेंट कैसा हो गया डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है डेवलपमेंट इनडायरेक्ट क्यों क्योंकि लार्वल स्टेजेस है कहीं भी अगर लार्वल स्टेजेस है तो वो डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है जैसे ह्यूमेंस का डेवलपमेंट कैसा होगा ह्यूमेंस का डेवलपमेंट डायरेक्ट होगा कोई लार्वल स्टेज नहीं है कहीं भी अगर लार्वल स्टेज है तो उसमें जो डेवलपमेंट हो गया वो इनडायरेक्ट हो गया ठीक है तो अब देखो यहाँ पे क्या विच इज मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंग फ्रॉम एन एडल्ट मतलब जो स्टेज होगा और जो एडल्ट स्टेज होगा दिखने में अलग अलग होगा है ना स्ट्रक्चर उनका दिखने वाला होगा लार्वा अलग दिखेगा एडल्ट अलग दिखेगा ठीक है एक बार रिविजन करते हैं फाइलम पॉरिफेरा को जनरली हम स्पंजेस कहते हैं पहला पॉइंट जनरली मेराइन है दूसरा पॉइंट सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करता है तीसरा पॉइंट पोर्स प्रेजेंट है वाटर कैनाल सिस्टम प्रेजेंट है चौथा पॉइंट खाना ऑस्टिया से अंदर जाता है स्पॉन्जियोशील में जाता है स्पॉन्जियोशील से तुम्हारा कहाँ चला जाता है ऑस्कुलम से बाहर निकल आता है पांचवा पॉइंट स्पॉन्जियोशील जो है वो लाइन है कुछ कॉलर सेल से जिसको हम कहते हैं कोई छठा पॉइंट ठीक है उसके बाद एक्जोस्कल्टन जो बाहर की तरफ है वो स्पिक्यूल्स या स्पॉन्जिन का बना हुआ है सेक्स जो है तुम्हारा सेपरेट नहीं है तो मतलब मेल और फीमेल गैमेट तुम्हारा एक ही जगह होता है ठीक है उसके बाद एसेक् रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से होता है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन फॉर्मेशन ऑफ गेमिट से होता है फर्टिलाइजेशन इंटरनल है और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है मतलब लार्वल स्टेज प्रेजेंट है ये दस पॉइंट हो गया याद ही हाँ या नहीं बताना खुद से ईमानदारी से बताना क्या तुमको ये दस पॉइंट याद हुआ या नहीं कोई का जरूरत नहीं किसी और चीज का जरूरत नहीं आपने एक फाइलम सिस्टमेटिक तरीके से करेक्ट कर लिया ठीक है तो यही देखो एग्जाम्पल है इसका देखो सबके पोर से दिख रहा है ना तो एग्जाम्पल अब इसका याद रखना है क्या साइकॉन अरे यार क्या हो गया हाँ क्या क्या एग्जाम्पल है पहला क्या क्या एग्जाम्पल है साइकॉन साइफा नाम है ठीक है उसका घर का नाम स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पॉन्ज होता है एंड यू स्पॉन्जिया बात स्पॉन्ज होता है इसमें एक ही फ्रेश वाटर स्पंज है दैट इज स्पिला जनरली मेराइन होते हैं एक्सेप्शन अगर पूछा जाए तो एक्सेप्शन में आप डाल देंगे स्पंजीला अब इसमें पहचानने के लिए फोटो आ सकता है तुमको तो देख लो यही डायग्राम तुमको ब्लैक एंड व्हाइट मोड में तुम्हारे एग्जाम में दे देगा तो ये साइकोन है ये है और कैसे बचानोगे की पॉरीफेरा पोर्स दिख रहे हैं तो तुमको है ना फीचर क्या है पोर्स पोर्स जिसके थ्रू वाटर कैनल सिस्टम काम करता है क्लियर है तो ये हो गया फाइलम पॉरीफेरा डन अगला आते हैं इसको हम कहते हैं फाइलम सीलेंट्रेटा या इसको हम निडेरियंस भी कहते हैं या निडेरिया भी कहते हैं ठीक है क्या है सर अब देखिए इसका पॉइंट भी लिखिए तो दे आर एक्वाटिक और मोस्टली मेराइन अब यहां भी मोस्टली क्या है मेराइन मतलब है पानी में रह रहा है Porifera भी तो पानी में रह रहा था aquatic तो वो भी था ठीक है अच्छा हो सकता है, मतलब है किसी चीज से या तैर भी रहा है फ्री लिविंग हो सकता है ठीक है कैसा है रेडियल सिमेट्री शो कर रहा है रेडियल सिमेट्री शो कर रहा है और कैसा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है सर यहाँ पे यहाँ पे हमने लिखा था टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ना याद रहेगा आपको टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कुछ पार्ट कट जा रहा है ना यार नावेंटी थर्टीट स्क्रीन में तो उसे लिख लेना पीडीएफ से है, है ना तो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो कर रहे हैं ठीक है नेम निडेरिया इज डिराइव फ्रॉम नीडो ब्लास्ट या स्टिंगिंग कैप्सूल होते है अब ये इसका डिस्टिंगटिव फीचर है ठीक है तो नेम निडेरिया कंटेंस दे हैव स्टिंगिंग कैप्सूल्स और स्टिंगिंग सेल्स जिसको हम निमैटोसिस्ट कहते हैं ठीक है ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसलिए नीडोब्लास्ट हो गया ठीक है कहाँ प्रेजेंट होता है ये प्रेजेंट होता है ऑन टेंटेकल्स ऑन एंड द बॉडी बॉडी और टेंटेकल से प्रेजेंट होता है ठीक है क्या क्या काम होता है नीडोब्लास्ट का यूज एज एंकरेज डिफेंस एंड कैप्चर ऑफ प्रे है ना तो जहरीला होता है ये तो पहला तो किसी चीज से अटकाने का काम करता है दूसरा डिफेंस मैकेनिज्म में छूओगे तो तुमको करेंट सा लगेगा है ना जहर सा लगेगा स्टिंग सा फील होगा और तीसरा कैप्चर ऑफरे में भी हेल्प करता है ठीक है एग्जिबिट टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये भी हमने बात की थी एंड दे आर डिप्लो ब्लास्टिक ये भी हमने बात किया तो वो भी डिप्लो ब्लास्टिक है, था अपना, है ना ठीक ठीक है, ठीक है।

हर सेल डाइजेशन नहीं कर रहा तो डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर है और कुछ जगह डाइजेशन इंट्रा सेलुलर भी है ठीक है तो क्या क्या चीज हमने देखा पहला एक्वाटिक है मोस्टली है सेसाइल या फ्री लिविंग दोनों फॉर्म आपको देखने को मिल जाएगा रेडियल सिमेट्री आपको देखने को मिल जाएगा डिस्टिंक्टिव फीचर क्या है सर नीडो ब्लास्ट फीचर है जो स्टिंगिंग का काम करेगा है ना कहा प्रेजेंट होगा टेंटिकल्स और बॉडी पे प्रेजेंट होगा क्या काम होगा इसका एंकरेज डिफेंस और कैप्चर ऑफ प्रे का काम होगा कैसा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो कर रहा है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो कर रहा है एक ही ओपनिंग है माउथ जिसको हम हाइपोस्टोम कहते हैं और डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर दोनों है बट ज्यादातर डाइजेशन जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर होगा ठीक है सम ऑफ द नीड एरिया एग्जाम्पल कोरल्स कोरल्स आप देखते हो ना कोरल्स के बारे में पढ़ते हो ना कोरल देखने को मिलते हैं अंडमान में ठीक है ल्टन कंपोज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अब इनका जो एग्जोस्के बना है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ कैल्शियम कार्बोनेट सी एस देखो निडेरियंस एग्जीबिट टू बेसिक बॉडी फॉर्म कौन कौन सा दो बेसिक बॉडी फॉर्म है इनके पास इनके पास दो बेसिक बॉडी फॉर्म है एक को हम कहते हैं पॉलिप और दूसरे को हम कहते हैं मेड्यूसा ठीक है पॉलिप कैसा है सेसाइल और सिलेंड्रिकल फॉर्म है मतलब ये कहीं मूव नहीं कर सकता सिलिंड्रिकल इन स्ट्रक्चर है एग्जांपल हो गया हाइड्रा और एडमेन्स या जाओ सी एनीमोनो के ठीक है वेयर एज द लैटर इज अम्ब्रेला शेप्ड एंड फ्री लिविंग लाइक ओरिलिया और जेलीफिश जेलीफिश तुम्हारा तैरते रहता है तो यही हो गया तो दो फॉर्म है एक को हमने बोला पॉलिप लिख लो पॉलिप और दूसरा हमने बोला मेड्यूसा पॉलिप कैसा है सर पॉलिप कैसा है सिलिंड्रिकल है Medusa कैसा है 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 सर? सर? ये कैसा मतलब ना? मूव नहीं कर सकता ये कैसा है Free swimming. Example इसका क्या हो सर? Hydra और Adamcia. इसका एग्जांपल क्या हो गया सर मेड्यूसा वाले का मेड्यूसा वाले का एग्जांपल हो गया और जेलीफिश एक ही बात है ना ठीक है ठीक है कोई दिक्कत यहां तक चलो अब क्या बोल रहा है दोज निडेरियंस विच एग्जिबिट इन बोथ फॉर्म्स अब कुछ हो सकते हैं जो दोनों फॉर्म एग्जिबिट कर रहे हैं तो वो ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन शो करता है जिसको हम मेटाजेनेसिस कहते हैं ठीक है तो मतलब पॉलिप जो है मेडुसा एसेक्सुअली बनाएगा और मेड्यूसा जो है वो पॉलिप सेक्शुअली बनाएगा एग्जाम्पल ओबिलिया एग्जाम्पल ओबिलिया समझो अब इसमें क्या बोला कि दो फॉर्म है एक है और एक है मेड्यूसा अब इसमें क्या बोल रहा है कि कुछ ऑर्गेनिज्म है जो दोनों चीज को करे पॉलिप वाला पार्ट भी और मेड्यूसा वाला पार्ट भी तो ये ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन दिखाता है मतलब एक जनरेशन में कुछ दूसरे जनरेशन में कुछ तो पॉलिप मेड्यूसा ए बनाएगा और पॉलिप सेक्सुअली समझे ऑफ मतलब एक क्सुअली रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस किया तो बच्चा क्या हो जाएगा मेड्यूसा हो जाएगा और अगेन बाप अगर मेड्यूसा है तो अगर सेक्सुअली रिप्रोड्यूस किया तो क्या बना देगा पॉलिप बना देगा तो इसको हम ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं क्लियर है Clear? तो आ गया सिलेंड्रेटा देखो एग्जाम्पल देख लो तो एग्जाम्पल ऑफ इंडिकेटिंग बॉडी फॉर्म तो ओरिलिया तुम्हारा जो है मेड्यूसा फ्री लिविंग और एडेम्सिया तुम्हारा जो है वो पॉलिप शो कर रहा है ठीक है तो ओरिलिया और एडेम्सिया क्लियर है तो शेप तुमको दिख रहा होगा सिलेंड्रिकल है ये और ये अम्ब्रेला

अलग से एग्जाम्पल के फ्लैश कार्ड बना लो और उसको देखते रहो तुमको आराम से याद हो जाएगा ठीक है तो फाइसेलिया पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर गोर्गोनिया सी फैन और मेंड्रीना तुम्हारा ब्रेन कोरल हो गया क्लियर है कोई दिक्कत कोई दिक्कत तो दो फाइलम हमने निपटा दिया तीसरा आते हैं फाइलम टीनोफोरा अब बोलना तुम्हें ईमानदारी से कि क्लास में याद हो रहा है कि नहीं हो रहा ठीक है टीनोफोरा की बात करते हैं तो क्या भैया कॉमनली नोन एज सी वॉलनट एंड कॉम जेलीज और ये एक्सक्लूसिवली मेराइन है अभी हमने क्या देखा था एक्सेप्शन थे ज्यादातर मेराइन थे बट कुछ एक्सेप्शन भी थे तो यहां सी वॉलनट्स और जो सी कॉम्स है हमारे ये क्या है ये एक्सक्लूसिवली मेराइन है एक्सक्लूसिवली मेराइन मतलब कोई फ्रेश वाटर फॉर्म आपको नहीं दिखेगा इसका कोई फ्रेश वाटर फॉर्म नहीं नो फ्रेश वाटर फॉर कोई भी फ्रेश वाटर फॉर्म आपको इसका देखने को नहीं मिलेगा ठीक है अच्छा रेडियली सिमेट्रिकल ठीक है डिप्लोब्लास्टिक ठीक है विथ टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है रेडियल सिमेट्री ठीक है हमने बात किया था

ऐसे रोज बना हुआ है तो इसको हम टीनोफोरा कहते हैं क्या काम करता है ये ये लोकोमोशन में करता है। तो लोको इन अकर्स है? यहां भी डाइजेशन बोथ एक्स्ट्रा सेल्यूलर एंड इंट्रा अगेन बोला टिश्यू लेवल ऑफ है तो कहीं एक्स्ट्रा सेलुरर भी होगा और कहीं इंट्रा सेलर भी होगा जैसे ऑर्गेन में चले जाओगे तो फिर डाइजेशन तुम्हारा एक्स्ट्रा सेलुलर होने लगेगा ठीक है, भी ये शो करता है।, है? सेपरेट, है? टेक्स प्लेस ओनली बाय सेक्सुअल मीन यहां देखो ए सेक्शुअल नहीं कर भैया जब भी करेंगे जबर सेक्स करेंगे तो रिप्रोडक्शन जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू ही आ रहा है सेक्सेस आर नॉट सेपरेट मतलब ये हर्माफ्रोडाइट फ्रोडाइट है वो भी था हर्माफ्रोडाइट फ्रोडाइट ठीक है हर्माफ्रोडाइट फ्रोडाइट ठीक है फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब लार्वल स्टेज भी होगा देखो इस वर्ड का मतलब आप समझने लगो लार्वल स्टेज भी होगा ठीक है कोई दिक्कत कोई दिक्कत पॉइंट नंबर वन क्या कहते हैं इसको सी वॉलनट या कॉम कहते हैं

एग्जाम्पल हो गया और प्लियो प्लेना जो मेरा पीपीटी बनाता है वो देखते हो डायग्राम इधर उधर कर देता है है ये डायग्राम का ठीक है तो डायग्रामेटिक व्यू ऑफ तो ये देखो स्टिंगिंग सेल्स है जिसको हम निमेटोसिस्ट कहते हैं ठीक है ये न्यूडोब्लास का डायग्राम है तुमको बस रिकोगनाइज करने आएगा ठीक है कहा मिलेगा सिलेंट रेट्स में मिलेगा ठीक है और ये देखो इसका एग्जाम्पल है तुम्हारा टीनोफोरा का प्लियो बलून जैसा लग रहा है है ना तो लेबल करने आ सकता है तो ये एग्जाम्पल हो गया तुम्हारा टीनोफोरा का दैट इज ठीक है इसको अपने उसमें कर लेना थोड़ा एनसीआर आगे पीछे कर दिया मेरी टीम वालों ने ठीक है चल अब आते हैं प्लेटी हेलमिंथस की बात करते हैं प्लेटी हेलमिंथस मतलब क्या है सर इसको हम बोलते हैं फ्लैट वर्म्स क्या बोलते हैं फ्लैट सपोज मान लो तुम्हारे ऊपर रोड रोरल चढ़ा दे तो क्या होगा तुम आगे से भी चपटे हो जाओगे पीछे से भी चपटे हो जाओगे है ना तो ये यही कह रहा है कि दे हैव वेंट्रली फ्लैट एंड बॉडी आगे से भी चपटा है और पीछे से भी चपटा है एंड आर कॉल्ड फ्लैट कॉल्ड फ्लैट ठीक है र मोस्टली एंडो पैरासाइट फाउंड इन द बॉडी इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स अब देखो क्या है एंडो पैरासाइट मतलब बॉडी के अंदर रह रहा है पैरासाइट मतलब खाना भी होश से ले रहा है और रे भी होश के अंदर रहा है तो बॉडी के अंदर रह रहा है तो एंडो पैरासाइट है जानवर पे इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स ठीक है कोई दिक्कत तो डॉसो वेंटिली फैट एंड चपट्टा है बिल्कुल क्या है तुम्हारा पैरासाइट है एनिमल्स के अंदर और इंसानों के अंदर भी पाया जाता है सिमेट्रिकल बीच से तुम काट सकते हो ठीक है अब यहां पे देखो ट्रिपलो हो गया अभी तक यहां पे देखो बात बदली अब यहाँ पे दोनों बात गई बायोलेट्रल सिमेट्री वो भी रेडियल था वो भी रेडियल था यहां पे बायोलेट्रल सिमेट्री आ गया ट्रिपलो आ गया और ए सिलोमेट आ गया पहले दो फाइलम में हमने पहले तीन फाइलम में हमने सिलोम की बात नहीं की है ना अगर पूछ दे एसिलोमेट है तो मतलब उनमें होता ही नहीं है तो फिर वो भी एसिलोमेट ही हुआ एक तरह से बट वैसे उनमें नहीं प्रेजेंट है तो ए सिलोमेट में तुम्हारा वैसे प्लाटिन से शुरू करोगे ठीक है विथ ऑर्गेन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहां पर देखो सब कुछ बढ़ गया प्लास्टिक भी हो गया बायोलेट्रल सिमेट्री भी हो गया ऑर्गेन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी हो गया ठीक है अब यहां पे क्या है हुक एंड आर प्रेजेंट ऑन पैरासिटिक फॉर्म तो जितने इसके पैरासिटिक फॉर्म है उसके पास हुक और सकर है क्यों ताकि होश के साथ अटैच कर पाए और होश से न्यूट्रिशन ले पाए तो सम ऑफ देम दब्जॉर्व न्यूट्रिशन फ्रॉम द होस्ट डायरेक्टली थ्रू द बॉडी सर्फेस ठीक है जिसके पास हुक एंड सकर है वो तो छिपक के एब्सॉर्बेशन ले लेगा बाकी क्या कर सकता है बॉडी सरफेस से ही होश से ले लेगा ठीक है अब इसके पास स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिसको हम कहते हैं फ्लेम सेल्स याद है ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में हेल्प करता है ये सिस्टम वाले चैप्टर में भी पढ़े हो फ्लेम सेल्स है ना एक्सक्रीशन में हेल्प करता है ठीक है सेक्सेस आर नॉट सेपरेट अगेन ये भी क्या है हर्माफ्रोडाइट हो गया फर्टिलाइजेशन यहां पे इंटरनल है और डेवलपमेंट यहां पे फर्टिलाइज सेपरेट है, है? है. है पिछले वाले में हमने देखा था तो फर्टिलाइजेशन क्या था एक्सटर्नल था तो देख लेना भैया कहाँ इंटरनल हो रहा है कहाँ पे एक्सटर्नल हो रहा है तो ये वाला पीज यहाँ पे देख लेना ठीक अच्छा और यहां पर फर्टिलाइजेशन जो है इंटरनल तो ये फर्टिलाइजेशन देख लेना फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल इंटरनल बहुत इंपॉर्टेंट होता है कहां पे एक्सटर्नल है कहां और डेवलपमेंटल थ्रू लार्वल अभी तक तो जहां तक जितना भी हमने देखा कहीं पे भी डायरेक्ट डेवलपमेंट में सबके थ्रू डेवलपमेंट जो है लार्वल स्टेजेस के थ्रू ही है तो ये इनडायरेक्ट है अभी तक तो. ठीक है सर एग्जाम्पल क्या है सर टीनिया दैट इज और फैसियोला लिवर को कहते हैं है, है ना तुम्हारा एग्जाम्पल तो है ये तुम्हारा टेपॉम का एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल है इसका प्लेनेरिया भी ठीक है ठीक है प्लेनेरिया का एक और डिस्टिंगटिव फीचर ये ट्रू रीजेनरेशन शो करता है मतलब एक पार्ट काट दोगे तो उससे नया ऑर्गेनिज्म तो ये ट्रू रीजनरेशन शो करता है। क्या करता है ट्रू रीजेनरेशन शो करता है ठीक है। अच्छा। अगला आते हैं एस्कल इसको, इसको राउंड वार्म भी कहते हैं तो द बॉडी ऑफ एस्कल सर्कुलर अभी तक क्या था वेंट्रली फ्लैट था फ्लैट वर्म था ये इसको हम कह देंगे गोल है तो राउंड वार्म हो गया ठीक है नेम राउंड ठीक दे मे बी फ्री लिविंग ठीक है अब देखो। एक्वाटिक भी हो सकता है टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है और पैरासिटिक भी हो सकता है दोनों प्लांट और एनिमल पे तो फ्री लिविंग फॉर्म भी है एक्वाटिक भी है टेरेस्ट्रियल भी है पैरासिटिक है प्लांट और एनिमल दोनों पे ठीक है अब यहाँ पे देखो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बढ़ गया ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आ गया बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट अभी तक क्या देखा था हमने ऑर्गेन देखा था यहाँ पे क्या देख लिया ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बायोलेट्रली सिमेट्रिकल है ठीक है ट्रिपलोब्लास्टिक है देखा था और स्यूडोसिलोमेट सब किया हुआ है ये ऑलरेडी किया हुआ है ये रिवीजन हो रहा है एक तरह से आपका स्यूडोसिलोमेट ठीक अब यहां पे एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट हो गया विल हैव वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स तो एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट है मतलब दोनों चीजें बोथ माउथ एंड एनस इज प्रेजेंट बोथ माउथ एंड

अभी तक हम सारे जो देख रहे थे मोनोशियस था ठीक है यहां पे क्या हुआ सेक्स सेपरेट हो गया ये जो है तुम्हारा डायसियस हो गया ठीक है इसमें लड़की बड़ी दिख रही है यहां पे फीमेल आर लॉन्गर देन मेल फर्टिलाइजेशन इंटरनल है डेवलपमेंट मे बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तो यहां पर आप डेवलपमेंट दोनों आपको देखने को मिल रहा है डायरेक्ट डेवलपमेंट भी देखने को मिल रहा है और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है ठीक है तो क्या क्या चीज चेंज हुआ पहला इसमें ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आ गया ठीक है दूसरा आ गया और डाइजेस्टिव मतलब और और को मिला सेक्स सेपरेट है मतलब मेल अलग है फीमेल अलग है फीमेल बड़ी है मेल छोटे है डेवलपमेंट तुम्हारा डायरेक्ट भी हो सकता है डेवलपमेंट तुम्हारा इनडायरेक्ट भी हो सकता है क्लियर ठीक है अब ये भी देखो फीमेल बड़ी है तुमको एस्केलम दिख रहा है राउंड वॉम और मेल छोटा है तो ये लेवल करने आ सकता है कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है इस तरह का सवाल तुमसे पूछ सकता है एग्जाम्पल एस्केरिस राउंड ठीक है एस्केरेसिस होता है जिससे है ना फलेरियसिस होता है जिससे और ए एसाइक्लोस्टोमा हु आपका होता है ये भी आपके पेट पे जाके चिपक जाता है क्लियर है तो ये हो गया आपका एस्केल हेलमिंथस या राउंड अगला आते हैं

और यहां पे आप देखो सिर्फ मेटामेरिक सेगमेंटेशन देखने को मिल रहा है और यहां पे एक और चीज बदला कि ये सीलोमेट हो गया अब यहां इसके बाद वाले सारे सीलोमेट होंगे इसके बाद वाले सारे सीलोमेट होंगे तो वो टेबल बड़ा हेल्पफुल होगा आपके लिए है ना इसके बाद वाले सारे सीलोमेट हो जाएंगे

मूवमेंट uh, करते हुए तो ऐसे ऐसे हिलता है ऐसे 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 ऐसे, ऐसे, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा रिलैक्स करेगा कॉन्ट्रैक्ट करेगा रिलैक्स करेगा है ना तो क्या यहां पे है लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स हैं जो लोकोमोशन में हेल्प करेगा ठीक है एक्वाटिक एनिलिट्स लाइक नीरिस पॉजेस लेटरल अपेंडिजेस लेटरल अपेंडेज मतलब साइड में ऐसे टांग जैसा स्ट्रक्चर है तो नीरीस के पास लेटरल अपेंडेजेस हैं जिसको हम पारापोडिया कहते हैं जो स्विमिंग में हेल्प करेगा तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो कि एकौर्टिक, एकौर्टिक वाले के पास क्या है लेटरल है ना ऐसे ऐसे मतलब मान लो कि ये अगर ये अगर टर, टक 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 मेटामेरिज्म हो गया और इसके ऐसे टक 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 निकले हुए हैं तो इस तरह के अपेंडेज को हम लेटरल कह रहे हैं क्या है तो ये हेल्प करता है स्विमिंग में ये हेल्प करता है स्विमिंग में ठीक है सर क्या कहते हैं इसको यह है इसका पैरापोडिया पैरा ठीक अब यहां पे एक और चीज आपको देखने को मिल रहा है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम देखो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम एनेलिट से शुरू होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना और फिर आपको कॉर्डेट्स में देखने को मिलता है क्लोज सर्कुलेटरी ठीक है नेफ्रीडिया हेल्प्स इन ऑसमो एंड एक्सक्रीशन नेफ्रीडिया यहां पर में फ्लेम सेल था यहाँ पे तुम्हारा आ गया ठीक है ये भी आपके तुम्हारे जो एक्सक्रीटरी वाले चैप्टर से उसमें लिखा हुआ न्यूरल सिस्टम भी अब इसमें आ गया थोड़ा बहुत पेयर्ड और नर्व टू नर्व कॉर्ड अब नर्व कॉर्ड यहां पे देखो क्या वेंट्रल है? है हम लोग के बॉडी में कहा है डॉर्सल है तो यहाँ पे तुमको जो नर्व कॉर्ड है वो वेंट्रल साइड पे देखने को मिलता है ठीक है अच्छा नेरीस इसमें डायएसियस है और अर्थवॉर्म इसमें मोनोशियस है मतलब अर्थवॉर्म हर्माफ्रोडाइट होता है अर्थवॉर्म और लीच हर्माफ्रोडाइट होता है और जो नेरीस है वो डायएसियस होता है रिप्रोडक्शन सेक्सुअल अब बोलोगे सर हर्माफ्रोडाइट है तो अर्थवॉर्म सेक्स कैसे करता है तो जैसे देखो अर्थवाम पे क्या होता है ऐसे सेगमेंट्स बने हुए हैं तो एक सेगमेंट होता है जो तुम्हारा मेल सेगमेंट होता है और एक सेगमेंट होता है तुम्हारा फीमेल होता है ठीक है तो दो अर्थवाम आपस में पोकी पोकी कर लेंगे उल्टा करके यही इन्होंने ईजाद किया था सिक्स नाइन का है ना तो दो अर्थवाम क्या करते हैं आगे पीछे पोकी पोकी कर लेते हैं तो जिसका चौदवा और इसका सोलवा इस तरह से इनका कार्यक्रम चल लेता है ठीक तो है, है हीरुडीना, हीरुडीन, हीरुडीना, तो ठीक है? तुम्हारा और फेरीटीमा तुम्हारा ये एग्जाम्पल है अर्थ का साइंटिफिक नेम है ठीक है और तो याद रखना, ब्लड सकिंग लीज का एग्जाम्पल हो गया ठीक है लेटरल तो दिख रहे हैं तो नीरिस है और नहीं दिख रहा यहाँ पे सकर है ब्लड सक करने के लिए। तो ये ये तुम्हारा एनेलिड्स हो गया फिर से काम की चीजें ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है बायोलेट्रल सिमेट्री है ट्रिपलोब्लास्टिक है मेटामेरिक सेगमेंटेशन है जो डिफाइनिंग फीचर है जो जमीन पे रहते हैं उनके पास सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल है जो मूवमेंट में हेल्प करेंगे जो पानी में रह रहे हैं उनके पास है, सर्कुलेटरी सिस्टम, सिस्टम भी प्रेजेंट है डॉर्सलेंट्रल नर्व कॉर्ड है नीरीज जो एक्वाटिक फॉर्म है वो डायसियस है और तुम्हारा अर्थफॉर्म और लीच जो है वो मोनोशियस है ठीक है तीन एग्जाम्पल तुमको याद रखना था तो ये हो गया तुम्हारा

सब अब सेम रहेगा है ना सीलोम बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ आर्थ्रोपॉड इज कवर्ड बाय काइटीनियस एक्सोस्केलेटन। ऊपर की तरफ तो, इनका एक काइटीनियस एक्सोस्केलेटन लगा हुआ है ठीक है बॉडी क्या क्या चीज में डिवाइडेड है बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड थोरैक्स एंड एबडोमेन किसमें हेड है थोरैक्स है, है बीच वाला पार्ट और एबडोमेन बीच वाला पार्ट

बुकलंग्स स्कॉर्पियंस में देखने को मिल जाता है और ट्रेकियल सिस्टम कॉकरोच में देखने को मिल जाता है लिख लो गिल्स एक्वाटिक एक्वाटिकोपोट प्रॉन्स हो गया है ना तो यहां सब में देखने को एक्वाटिक आथ्रोपोड ठीक है बुक गिल्स किंग क्रैब या लिमिलस ठीक है ये तुम्हारा लिविंग फॉसिल होता है ये तुम्हारा लिविंग फॉसिल है लिविंग फॉसिल मतलब बहुत पुराना है बट अभी तक जिंदा है ठीक है बुकलंग्स बुकलंग्स आपका स्पाइडर में देखने को मिल जाएगा स्पाइडर में आपका बुकलंग देखने को मिल जाएगा और उसके बाद ट्रेकियल सिस्टम आपका कॉकरोच में देखने को, देखने को। मिल जाएगा मिल जाता है ठीक है तो गिल्स बुक गिल्स बुकलंग्स और ट्रेकियल सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑफ ओपन टाइप ओपन टाइप है सर्कुलेटरी सिस्टम बात किया था हमने ठीक है सेंसरी ऑर्गेन्स लाइक एंटीने आईज कंपाउंड और सिंपल दोनों होगा सेंसरी ऑर्गन एंटीन एंटीने ठीक है तो जो एटमोसफेयर को सेंस करेगा ठीक है स्टैटोसिस्ट होते हैं इसके पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हम बैलेंसिंग ऑर्गेन कहते हैं तो स्टैटोसिस्ट हेल्प करता है बैलेंसिंग में ठीक है एक्सक्रीशन मेलफीजन ट्यूब्यूल देखो एक्सक्रीशन वाला सारा याद रखना पड़ेगा एक्सक्रीशन मेल्फीजन ट्यूब्यूल ठीक है दे आर मोस्टली डाइशियस ठीक है सर फर्टिलाइजेशन इंटरनल है मोस्टली ओवी पैरस हैं और डेवलपमेंट डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों हो सकता है ठीक है तो तुम क्या कर सकते हो तो एक टेबल बना सकते हो टेबल क्या वैसे बना हुआ है मैं तुमको इसका टेबल भी पीडीएफ फॉर्म में दे दूंगा कहाँ से याद करो मैंने हैंडबुक बनाया था तो बायोजी हैंडबुक का चैप्टर मैं एनिमल किंगडम का भी शेयर कर दूंगा तो ये टेबल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुमको यहाँ पे दिख जाएगा सिस्टमेटिक तरीके से ठीक है तो टेबुलर फॉर्म में तुम उसको याद कर लोगे तो तुमको दिख जाएगा किसमें डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है, है कौन सी लोमेट है कौन सी लोमेट नहीं है तो सीक्वेंस में तुम याद कर सकते हो ठीक है तो वो टेबल मैं तुम्हें दे दूंगा एग्जाम्पल देखो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट स्पीसीज एपिस एपिस इंडिका हनी भी हनी प्रोड्यूस करता है तुम्हारा बॉम्बेक्स सिल्क वॉर्म हो गया लेसिफर लैक इंसेक्ट हो गया जो रेशम प्रोड्यूस करता है बॉम्बेक्स तुम्हारा सिल्क वॉम है सिल्क प्रोड्यूस करता है वेक्टर्स में एनोफिलिस आ गया मॉस्किटो मलेरिया कॉज करता है क्यूलेक्स तुम्हारा क्या फलेरिया कॉज करता है और तुम्हारा डेंगू और चिकनगुनिया कॉज करता है पेस्ट लोकस्ट टिड्डे कहते है कहते हैं हैं उसको टिड्डा टिड्डो का अटैक हो गया था ठीक है और लिविंग फॉसिल फॉरसल हो गया किंग क्राइप ठीक है अब यहाँ पे एग्जाम्पल देख लो टिड्डा का एग्जाम्पल दिया लोकस्ट बटरफ्लाई स्कॉर्पियन और पुरॉन्स ठीक है तो ये हो गया आर्थ्रोपोडा लार्जेस्ट फाइलम जो है

मेंटल बनाता है स्पंजी लेयर ऑफ स्किन के ऊपर ठीक है स्पेस बिटवीन द हम एंड मेंटल इज कॉल्ड मेंटल कैविटी जिसमें फेदर लाइक गिल्स प्रेजेंट होते हैं तो गिल्स क्यों प्रेजेंट है ताकि ये सांस ले पाए ठीक है तो मेंटल कैविटी में फेदर लाइक गिल्स प्रेजेंट अभी डायग्राम देखेंगे तो सब समझा देंगे ठीक है

बॉडी इज कवर्ड बाई कैलकेरियस सेल ठीक है अनसेगमेंटेड बॉडी है क्या क्या चीज में डिवाइडेड है लेकिन डिस्टिंक्ट हेड मस्कुलर फुट और ठीक है अब तो तुम्हारा जो विसेरल हम्प वाला रीजन है उसमें एक स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन कवर्ड है जिसको हम कहते हैं मेंटल ठीक है अब स्पेस जो हम्प और मेंटल के बीच में वहां पे एक कैविटी है जिसको मेंटल कैविटी कहते हैं और उस मेंटल कैविटी में गिल्स प्रेजेंट है तो अगर मान लो कोई एक डायग्राम मैं तुम्हें दिखाऊं अब देखो इसके कैरेक्टर इस फीचर तुमको ध्यान से देखने पड़ेंगे ठीक है एक स्नेल का एग्जाम्पल लेते हैं अभी ना वीडियो पॉज करके मैंने पहले एक स्नेल डाउनलोड किया ताकि मुझे डायग्राम ना बनाना पड़े तब तुमको क्या क्या बोला पहला मैंने बोला बॉडी इज कवर्ड बाई कैलकेरियस सेल तो यह आपका कैलकेरियस ठीक है ठीक है ये वाला रीजन जो हो गया इसका हेड हो गया ठीक है ये ऐसे अंदर की तरफ इसके होगा एक रीजन जिसको हम विसेरल हम्प बोल देंगे अंदर की तरफ इन साइड हम्प मतलब फुलाओ है ना विसेरल हम्प और ये जो नीचे वाला रीजन है इसको हम कहेंगे मस्कुलर फुट ठीक है देखा होगा ना स्नेल तो जिंदगी में ठीक है ठीक है अब जो ये विसेरल हम्प है ठीक है इसके ऊपर एक स्किन लगा हुआ है स्मूथ स्किन इस स्किन को हम कहते हैं मेंटल क्या कहते हैं इसको हम कहते हैं मेंटल और मेंटल और विसेरल हम के बीच में कैविटी है इस कैविटी को हम कहते हैं मेंटल कैविटी क्या करता है ये मेंटल कैविटी सर मेंटल कैविटी जो है ये तुम्हारा हेल्प करता है रेस्पिरेशन में और एक्सक्रीशन में ठीक है इसके पास यहां पे टेंटेकल्स है ये दोनों जो है ये टेंट टेकल्स हैं और माउथ के पास एक रेस्पिंग ऑर्गेन होता है जो खाना निकलेगा इसको हम कहते हैं रेड्यूला ठीक है radula, समझे तो ये है हमारा स्नेल हैंडसम तो लग रहा है आओ. तो देखो क्या 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 बॉडी इज कवर्ड बाई शेल बता दिए अनसेगमेंटेड होता है बॉडी बता दिए डिस्टिंक्ट हेड है ठीक है मस्कुलर फुट है ठीक है एंड विसेरल हम्प है ठीक है बता दिए सॉफ्ट एंड स्पंजी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म्स द मेंटल ठीक है ओवर द मेंटल के बीच में जो कैविटी है वो मेंटल कैविटी है जिसके पास फेदर लाइक गिल्स प्रेजेंट होते हैं जहां पे क्या होगा रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन होगा ठीक सेंसरी टेंटिकल्स है सेंसरी टेंटिकल्स मतलब एटमॉस्फेयर को परसीव करेगा माउथ कंटेन्स फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन जिसको हम रेड्यूला कहते हैं सब कुछ देखिए तो ये आपका क्यूट सा स्नेल है जो आपका सारा डाउट सॉल्व कर दिया क्लियर चलिए दे आर यूजली डायसियस ओवी पैरस विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट यहाँ पे डायशियस मतलब मेल फीमेल अलग-अलग वर्ड का मतलब समझ गए ओवी वायरस मतलब अंडा दे रहा है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब लार्वल स्टेज ऐसा एग्जांपल अब देखो इसमें खूब सारा एग्जांपल है जिसको तुमको याद करना पड़ता है पीला एप्पल स्नेल ठीक है अब कैसे याद करोगे जैसे देखो तो एप्पल का सारा चीज है यहाँ पे ए एल पी तो वैसे एप्पल याद कर लो मैंने तो ऐसे याद किया बाकी तो तुम देख लो पिंक टाडा ऑस्टर पिंक टाडा टाडा सुंदर लगेगा पर्ल बना रहा है ठीक है घटिया <laughs> लॉजिक सीपिया कटल फिश किसी को आता है भाई तो इसका नोमिक डाल देना आई एम वेरी मेकिंग नमोनिक्स लॉलीगो स्क्विड डेविल फिश ऑक्टोपस देखने में ही लगता है ऐसा ना देख के ठीक है एल एप्लाइसिया सी हेयर डेंटलीटियम डेंट टस्क तो वैसे याद कर टस्क गल और प्ल्यूरा किटन सी से किटोन तो इस तरह से याद कर लोगे। तो पीला, पिंक टाडा सीपिया लॉलीगो ऑक्टोपस एल्फाइसिया, डेंटेलियम और की कीटो प्ल्यूरा, ठीक है तो ये एग्जाम्पल्स है एग्जाम्पल्स के लिए भी अलग से टेबल बना लेना मैं टेबल दे दूंगा अभी तो वैसे तुम्हें दिखा भी देता हूं मैं तुम्हें ठीक अगला आते हैं फाइलम इकाइनोडर्माटा तो दीज एनिमल्स हैव एनिमल हैलकेरियस ऑस्सिकल्स कैलकेरियस ऑस्सिकल्स का है इसलिए इकाइनोडर्माटा नाम है तो ये इसका डिस्टिंगटिव फीचर हो गया स्पाइनी बॉडीड ऑर्गेनिज स्पाइन्स होते हैं

लोअर वेंट्रल साइड पे एनस कहां कहा अपर डोरसल साइड पे हमारा भी माउथ वेंट्रल है और एनस है ठीक है द मोस्ट डिस्टिंगटिव फीचर ऑफ इकाइनोडरमाटा हो गया वाटर वैस्कुलर सिस्टम इनके पास वाटर वैस्कुलर सिस्टम है तो सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है विच हेल्प्स इन लोकोमोशन कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन ठीक है एक्सक्रेटरी सिस्टम भी नहीं है तो यहाँ पे नो सर्कुलेटरी सिस्टम सिस्टम नो सर्कुलेटरी सिस्टम और नो एक्सक्रिट सि हो रहा है पानी है तो क्यों लोड लेना है ना ठीक है सेक्स सेपरेट है यहां पर तो डायसियस हो गया ये रिप्रोडक्शन सेक्शुअल है फर्टिलाइजेशन यूजअली एक्सटर्नल हो गया अब यहां पर पानी है

एनस डॉर्सल है ठीक है मोस्ट डिस्टिंग की फीचर जो है वाटर वैस्कुलर सिस्टम हो गया लोकोमोशन भी करता है कैप्चर ऑफ फूड भी करता है और रेस्परेशन भी करता है एक्सक्रिटी सिस्टम एबसेंट है सेक्स सेपरेट रिप्रोडक्शन सेक्सुअल फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट विद फ्री स्विमिंग लार्वा ठीक है देखो स्टार फिश इकाइनस सीअरकिन एंटीडन सीलीली कुकुरमेरिया, सी एंड ओफी यूरा सी ब्रिटल स्टार ठीक है तो ये स्टार फिश है और ये ब्रिटल स्टार ब्रिटल स्टार पतला हो गया तो इस तरह से तुमको दिख रहा है तो एकिनस, एंटीडन कुकुरमेरिया और ओफी यूरा तो मोलस्का और इकाइन का अगर किसी के पास अच्छे नेमोनिक्स होंगे तो कमेंट कर देना ठीक है मैंने बोला था जो एनिमल किंगडम का टेबल तो हमने नॉन कॉर्डेट्स कंप्लीट कर लिया ठीक है अगले क्लास में हम कॉर्डेट्स कंप्लीट कर लेंगे हेमी कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स कंप्लीट कर लेंगे ठीक है तो मैंने अभी तुम्हें जो टेबल की बात की थी वो टेबल दिखाता हूँ तो ये देखो ऐसे टेबल आपके होंगे है ना तो जैसे देखो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ना सिमेट्री जर्म लेयर हैबिट एंड हैबिटेट डाइजेस्टिव सिस्टम रेस्पिरेटरी सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम रिप्रोडक्शन यूनिक फीचर क्या है एग्जाम्पल के साथ है ना तो ये पी डी एफ ऑलरेडी शेयर है टेलीग्राम चैनल पे यही जो टेलीग्राम चैनल है टी डॉटन अगर आपने नहीं देखा मैं फिर से एनिमल किंगडम का ये पी डी एफ शेयर कर देता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे ठीक है तो आपका नॉन अकोडेट आज खत्म हो गया कॉडेट्स हम लोग कल कर लेंगे तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए हैशटैग नॉन कॉडेट्स कंप्लीटेड जाके इसका पी वाई और एक्जाम्पल भी सॉल्व कीजिए वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको कोई नोटेशन मिस ना कर मिलते अगले वीडियो में केयर बाय ग्रेट डे थैंक यू